क्या आप जानते हैं कि भाभी जी घर पर हैं सीरियल से मशहूर आसिफ शेख और साथ निभाना साथिया से मशहूर रूपल पटेल ने 1994 के चंद्रकांता सीरियल में किरदार निभाए थे। चंद्रकांता भारतीय टेलीविजन के इतिहास में रामायण और महाभारत के बाद इसे तीसरा सबसे सफल शो माना जाता है। आइए मिलते हैं पुरानी चंद्रकांता के उस जमाने के अननोन पर आज के टीवी जगत के जाने माने कैरेक्टर से, रूपल पटेल। इन्होंने चंद्रकांता में नागरानी रूपमती के दोस्त जमुना का किरदार निभाया था और अब साथ निभाना साथिया से घर घर का नाम बन चुकी हैं आसिफ शेख। चंद्रकांता में नागमणि देवता का किरदार निभाने वाले विभूति नारायण मिश्रा उर्फ नल्ले को आज भला कौन नहीं जानता। गजनी मूवी में कुंखार विलन का रोल निभाने वाले प्रदीप रावत ने चंद्रकांता में शिवदत्त के सेनापति हिम्मत सिंह का रोल किया था। सुधा चंद्रन चंद्रकांता में इन्होंने शिवदत्त की माँ रानी सत्यवती का किरदार निभाया था। वर्तमान में यह एकता कपूर के शो नागिन में काम कर चुकी है। बी आर चोपड़ा के महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाकर अमर हो चुके फिरोज खान ने चंद्रकांता में विश्वजीत सिंह के जादूगर गुरु का किरदार निभाया था। विनोद कपूर चंद्रकांता में इन्होंने शिवदत्त के सिपहसालार बरकत खान का किरदार निभाया था। महाभारत में यह दुशासन का रोल कर चुके हैं। रूपा गांगुली चंद्रकांता में इन्होंने कुंवर वीरेंद्र की सौतेली माँ दामिनी का किरदार निभाया है। वर्तमान में यह बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं। मशहूर फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले एके हंगल ने चंद्रकांता में तिलस्मी बाबा का किरदार निभाया था। राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी में एक्टिंग करने वाली कल्पना अय्यर को भला कौन नहीं जानता। इन्होंने चंद्रकांता में दमदमी माई का किरदार निभाया था। जानी मानी हीरोइन वर्षा उसगांवकर ने चंद्रकांता में नागरानी रूपमती का किरदार निभाया था। विजेंद्र घटगे इन्होंने चंद्रकांता में सुमेर सिंह का किरदार निभाया था। यह प्रेम रोग जैसी फेमस मूवी में काम कर चुके हैं। गारू मूवी में काम कर चुके निमई बाली ने चंद्रकांता में शिवदत्त के अयार सूर्या का ओरिजिनल किरदार निभाया था। आइए मिलते हैं इस कहानी के सबसे मुख्य पात्र चंद्रकांता से। चंद्रकांता का किरदार पूर्व मिस इंडिया शिखा स्वरूप ने निभाया था। शहबाज खान चंद्रकांता में इन्होंने कहानी के हीरो कुंवर वीरेंद्र का रोल निभाया है जो आगे चलकर तिलस्म को तोड़ता है। पंकज धीर चंद्रकांता में विश्व पुरुष शिवदत्त का किरदार निभाने वाले पंकज महाभारत में कर्ण का रोल कर पहले ही फेमस हो चुके थे। इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने चंद्रकांता में पहले जबाज और बाद में मेघावत का किरदार निभाया था। चंद्रकांता में क्रूर सिंह या क्रू का किरदार निभाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा गंगाजल और लगान जैसी फेमस फिल्मों में काम कर चुके हैं। राजेंद्र गुप्ता चंद्रकांता में इन्होंने रमल के बेताज बादशाह पंडित जगन्नाथ और उसके जुड़वा भाई सनी का किरदार निभाया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आन बान और शान इरफान खान साहब जिनके असमय जाने का दुख आज भी सारे भारत के सिनेमा प्रेमियों को है। इन्होंने चंद्रकांता में बद्रीनाथ और सोमनाथ के किरदार निभाए थे। महाभारत में गुरु द्रोण का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल ने चंद्रकांता में चंद्रकांता के पिता राजा जय सिंह का किरदार निभाया था। शैतान के साले बाला के पिता का किरदार निभाने वाले परीक्षित सहनी ने चंद्रकांता में कुंवर वीरेंद्र के पिता राजा सुरेंद्र सिंह का किरदार निभाया था। कृतिका देसाई इन्होंने चंद्रकांता में विश्वकन्या सव्या और डाकू ज्वाला का किरदार निभाया था। जावेद खान इन्होंने नौगढ़ के सबसे ताकतवर अयार तेज सिंह का किरदार निभाया था। दुर्गा जसराज इन्होंने विश्व पुरुष शिवदत्त की वाइफ कलावती का किरदार निभाया था। जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के बड़े भाई का किरदार निभाने वाले ममिक सिंह ने चंद्रकांता में देवा और सूर्या के किरदार निभाए थे। वेटरन एक्टर दीपक पराशर ने चंद्रकांता में शिवदत्त के पिता देवदत्त का किरदार निभाया था। जी टीवी के कबूल है सीरियल से फेमस हुए वकार शेख ने चंद्रकांता में कुंवर वीरेंद्र के सौतेले भाई विश्वजीत सिंह का किरदार निभाया था। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको भी मौका मिले तो आप चंद्रकांता कहानी के किस कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहेंगे। मिलते हैं स्टोरीजम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ बी हैप्पी बाय बाय।